Hi guys, welcome back to my channel, welcome back to the new vlog and welcome to first vlog of 2023. Yes, जब से 2023 start हुआ है, जब से क्या एक डेढ़ महीना, मतलब first vlog है ये मेरा 2023 का. फेब का एंड हो गया है ऑलमोस्ट एंड 2023 का फर्स्ट व्लॉग है ये. यस, बहुत कुछ चला लाइफ में एंड ऑल्सो बहुत सारी वेडिंग्स, बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं. मेरी तीन सिस्टर्स की वेडिंग हुई है, कजन्स ऑब्वियसली, तो रियल सिस्टर तो मेरी नहीं है कोई. तो तीन वेडिंग्स घर की अटेंड करी हैं, लॉट्स ऑफ फंक्शंस, लॉट्स ऑफ प्रिपरेशंस. बहुत ही कुछ था, बहुत सोचा था कि हर एक चीज़ को कैप्चर करूँगी, कुछ ट्राई भी किया है लेकिन प्रॉपरली मैं नहीं कर सकी, तो मैं उस चीज़ को मैंने फिर डाला ही नहीं कहीं पे. यस, इंस्टाग्राम पे मैंने ज़रूर सब कुछ अपलोड किया था, स्टोरीज पे, और हर एक चीज़ की रील्स भी मैंने बनाई हैं. यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम, उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और चैनल का जो नेम है, लाइक इंस्टा जो नेम है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. बहुत ज़्यादा शिवरिंग, लाइक यू नो वीडियो जो है बहुत हिल रही है क्योंकि यू नो मोबाइल से बना रही हूँ मैं वीडियो एंड हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल तो हिलेगा ही जैसे मैं बोलूँगी. ओके, तो अभी हो रहे हैं लाइक कुछ 8 या 9 बज रहे हैं अभी, तो अभी हम करने लगे हैं डिनर प्रिपरेशन. और हमारा डिनर जो है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इतने दिन से हम खाना खा के थक गए हैं. तो वी आर हैविंग नाउ टुडे आई थिंक पिज्ज़ा और बर्गर वी गोना हैव इन डिनर. कुलप्रीत ने बोला है मुझे बर्गर खाना है, तो ऑब्वियसली यस मैं सब कुछ घर पे बनाऊंगी, पिज्ज़ा भी एंड बर्गर भी. तो शैनन अपना एज यूजुअल मजे कर रही है. हाय 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 करो, हाय नो नहीं करना, हाय हाय कर दो, नो. ये नई चीज सीखी हुई है ऐसे करके हाय करना, और इसका कोकोमेलन ऑल द टाइम चलता रहता है. तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बर्गर एंड पिज्जा. पहले देखिए हम क्या बनाते हैं, वो मैं आपको साथ में दिखाऊंगी. हाँ जी, आ जाओ, वो देखो देखो, हाय कर दो पहले, हाय कर दो. तो चलो फटाफट बनाते हैं हम बर्गर एंड पिज्जा. हाँ जी, एंड ऑल्सो एक और चीज, कितने फंक्शंस थे सब जगह पे मैंने यू नो अपने हेयरडूज बनवाए हैं. बालों की बैंड बज गई थी, इतनी गंदी वाली बैंड बजी हुई है बालों की, तो उसके लिए भी मैंने कुछ सामान मंगवाया, वो थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे अभी ओपन करना है वो सामान. आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन. तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं डिनर, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं फॉर जस्ट फॉर माई हेयर. मैंने सिर्फ बालों के लिए ही सब कुछ मंगवाया है, जो भी चीज़ें मंगवाई हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिनर, लेट्स गो. Next day. Hello summers. Hi guys. So it's the next day. अगला दिन हो चुका है, इवन दोपहर हो रही है अभी, और ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं एंड कल डिनर के बाद यू नो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कुछ था ही नहीं शूट करने वाला. मैंने किचन वगैरह क्लीन करी एंड उसके बाद शैनन सो गई, तो हम भी साथ में जल्दी सो गए थे, तो इसलिए कुछ था ही नहीं शूट करने वाला. एंड नाउ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं फॉर हेयर केयर, क्योंकि यू नो इतने हेयर लूज करवाए थे, इतने बालों की बैंड बच चुकी थी, तो इसीलिए
मैंने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं दैट आई एम गोइंग टू शो यू. ओके सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको सारे के सारे अमेजोन पे मिल जाएंगे. सब मैंने अमेजोन से ही मंगवाया है एंड ऑन अ वेरी गुड प्राइस पे मैंने मंगवाया है. काफी अच्छे डिस्काउंट्स हैं, यू कैन चेक दैट एज वेल. सो ओके जो फर्स्ट चीज है इज द जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इज द स्वीट आलमंड ऑयल. सो एज यू ऑल नो कि आलमंड ऑयल जो है वो आपके हेयर के लिए स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. सो जरूरी नहीं है कि आपको ये हेयर पे ही यूज करना है, स्किन पे भी यूज कर सकते हो. तो ये वैसे मैंने हेयर के लिए मंगवाया है, स्किन पे कभी यूज करना हो तो कर लेंगे. तो वैसे मैं ऑयल्स जो है अपनी स्किन पे बहुत ही ज्यादा कम यूज करती हूँ क्योंकि नेचुरल ऑयल सिक्रेशन बहुत ही होता है मेरे को. तो इसीलिए मैं ऑयल्स कम यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं यूज करती, मतलब बहुत रेयर यूज करती हूँ मैं. सो दिस इज द आलमंड ऑयल, ये है बाहर का पैकेजिंग. सो दिस इज बाय इंडस वैली, दिस इज बायो ऑर्गेनिक स्वीट आलमंड ऑयल कोल्ड प्रेस्ड. ओके तो वर्जिन आलमंड ऑयल है ये वाला एंड दिस इज द इनर पैकेजिंग और बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग है. अच्छी क्यूट सी बॉटल है ये वाली, 100 ml का पैक है ये वाला. ओके सो स्मेल कैसी होगी, ऑब्वियसली आलमंड ऑयल जैसी ही है इसकी, ठीक है. और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज दिस वन, दिस इज द ग्रो आउट हेयर ऑयल. ग्रो आउट हेयर ऑयल से आपको पता लग रहा होगा कि बालों को बढ़ाने के लिए यू नो ये वाला ऑयल है. सो जिसे कि मैं एवरी वॉश से पहले यूज करूंगी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज. सो आज तो मैं हेयर वॉश कर चुकी हूँ बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यूज करूंगी, मतलब लाइक 3 दिन बाद हेयर वॉश करूंगी ना, तो तब आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस. सो दिस इज फॉर फुलर थिकर एंड हेल्थियर हेयर एंड यार इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं. दिस इज अगेन बाय इंडस वैली और बड़े अच्छे रिव्यूज हैं. सो अगर आप लिंक पे जाओगे ना, आप खुद देखना, वहां पे लोगों ने काफी अच्छे रिव्यूज डाले हुए हैं. सो दिस इज इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है क्योंकि मैं ये ओपन कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी. सो दिस इज ग्रो आउट हेयर ऑयल और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है आपके हेयर के लिए. ओके सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडस वैली जो मैंने मंगवाया है इज दिस हेयर स्पा. सो क्या होता है ना, हेयर स्पा के लिए अगर आपको दिस इज हेयर स्पा, ठीक है. बट यू नो कभी कभी क्या होता है कि आपको हेयर स्पा के लिए टाइम नहीं मिल पाता, एक्स्ट्रा टाइम आप नहीं निकाल पाते हो, तो आप इसे एज अ कंडीशनर और एज अ मास्क भी आप इसे यूज कर सकते हो, जो कि मैं करने वाली हूँ. तो अभी मैं अपना बता रही हूँ, अगर आप हेयर स्पा करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए. सो दिस इज द प्रोडक्ट, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी होती है. सो दिस इज 175 ml ऑफ द क्वांटिटी, या 175 ml है ये वाला, तो कम से कम 10 से 12 बारी तो यूज हो ही जाएगा. थिक क्वांटिटी होती है, थिक कंसिस्टेंसी इसकी काफी होती है. सो थोड़ा सा ही आप लेके यू नो उसको अगर आप ब्लेंड करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपके बालों में यू नो ब्लेंड हो जाएगा ये मतलब. ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. सो दिस इज द हीट प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है ये वाला. सो जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई करते हो, बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई करते हो, या हीटिंग टूल्स जो है अगर आप यूज करते हो, सो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे आपको जरूर यूज करना चाहिए बिकॉज आपके बाल जितने डैमेज होते हैं ना हीटिंग टूल से जितने भी, तो वो बिल्कुल सिर्फ यू नो 10-20% ही सिर्फ जो है क्या कहते हैं डैमेज होंगे या खराब होंगे, उसके अलावा आपके नहीं होंगे क्योंकि आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज कर रहे हो. ये नहीं आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट यस दिस इज माय थर्ड बॉटल, इसको मैं थर्ड टाइम इसको बाय कर रही हूँ. आई लव दिस वन, मुझे इसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, डी वाइवर जो भी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. बहुत ही अच्छा है ये वाला और हेयर कंडीशनर स्प्रे है वाला, बहुत ही स्मूथ रखता है आपके बालों को. जब भी आप हीट प्रोटेक्शन, जब भी आप कोई भी हीटिंग टूल्स यूज करोगे, जैसे आप प्रेसिंग कर रहे हो बालों को, हेयर ड्राई कर रहे हो, ब्लो ड्राई कर रहे हो, कर्ल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाना चाहिए, ठीक है. सो दिस इज वेरी गुड, आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा के आप कुछ भी यूज कर सकते हो. सो द लास्ट थिंग इज दिस वन, दिस इज द लॉरियल टोटल रिपेयर स्मूदिंग एंड रिपेयरिंग सीरम. हेयर सीरम है, नॉर्मली आप हेयर वॉश करके भी आप यूज कर सकते हो, मतलब बालों को आपको मैनेजेबल करने के लिए आपको सीरम यूज करना चाहिए, कोई भी कर सकते हो, बट आई लाइक दिस वन. इसको मैं मतलब इसी को मैं यूज करती हूँ अभी तक. पहले मैं लॉरियल का करती थी एंड देन उसके बाद मैंने ये ट्राई किया तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, उसके बाद से मैं यही वाला यूज करती हूँ. सो आई रियली लाइक दिस वन एंड दिस इज अ लीव ऑन ट्रीटमेंट. ये लीव ऑन होता है, लाइक आप इसको बालों में लगा के आप छोड़ सकते हो. सिरम होते हैं कई, होता है ना जिसमें आपको हेड वॉश करना पड़ता है, कई सिरम जैसे आते हैं मतलब लगा के एज अ ट्रीटमेंट जब आप लगाते हो, बट दिस इज लीव ऑन, तो आप इसको आपको लगा के
छोड़ देना है, नॉट लिव ऑन, लीव ऑन. ठीक है, ओके. सो यस, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट फ्रॉम अमेजोन. एंड ऑल्सो अमेजोन पे बहुत ही अच्छी सेल चल रही है जो कि 16 से स्टार्ट हो चुकी है. एंड आज जो है वो लास्ट डेट है, 20th जो है वो लास्ट डेट है. बट आप जैसे आप वीडियो देखो तो प्लीज आप चेक कर लेना. इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. सब प्रोडक्ट्स का भी लिंक होगा और जो सेल है उसका भी लिंक होगा. एंड ऑल्सो इफ यू आर प्राइम मेंबर आपको 10% ऑफ जरूर मिलेगा अमेजोन पे. सो यस, दैट्स इट. अभी हम करते हैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू. हाय गाइस, सो कुछ भी मैं इसके बाद शूट नहीं कर सकी हूँ. अभी मैं व्लॉग को जो है वो मैं एंड कर रही हूँ. सो जब मैंने आपको अमेजोन वाले वो प्रोडक्ट्स दिखाए थे, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए हैं, उसके बाद मुझे जाना था राशनिंग के लिए. बट मुझे टाइम नहीं मिला राशनिंग पे जाने के लिए क्योंकि मुझे जाना पड़ा था हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में क्यों गई थी, एक्चुअली मेरी जो चाची हैं वो हॉस्पिटलाइज थी और उन्हें डिस्चार्ज करवाना था. तो डिस्चार्ज करवा के और फिर हम उनको घर लेके आए हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे क्योंकि डिस्चार्ज पेपर्स वगैरह रेडी होते हैं. उनके 2-3 टेस्ट भी हुए तो उसकी रिपोर्ट्स के लिए भी वेट किया, तो मैं वहीं पे ही थी. एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक, मतलब मुझे अभी नहीं कंफर्टेबल लगा टू व्लॉग इन हॉस्पिटल. मैं हॉस्पिटल में व्लॉग करूँ या कुछ भी दिखाऊँ, मतलब आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. सो येस, तो मतलब डिस्चार्ज करवा के जब हम लेके आए तो 9:30, हाँ 9:30 बज गए थे. तो उसके बाद आके हम लोगों ने डिनर वगैरह किया है, तो कुछ छोटा मोटा वैसे खा लिया था क्योंकि इतनी भूख नहीं थी. तो डिनर वगैरह करके एंड बस अभी गुरप्रीत और शैनन जो है वो सो चुके हैं और मैं भी बस सोने लगी हूँ यार. लेकिन अभी नींद नहीं आ रही है, सोच रही हूँ ये व्लॉग को एडिट करके डाल देती हूँ क्योंकि जब टाइम मिले ना तब फटाफट कर लेना चाहिए. सो बट आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग राइट हेयर. दैट्स इट. एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट. एंड आई होप मैं और आगे व्लॉग्स में अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँ, व्लॉग्स जल्दी जल्दी आए. लेट्स होप दैट. सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड बाय. एंड अमेजोन वाला जो लिंक्स है और अमेजोन वाला जो यू नो वो क्या बोलते हैं सेल है, उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. मेक श्योर टू चेक. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग सुपर सून. टिल देन टेक केयर, बाय.